बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ सेल्स सॉफ्टवेयर। आज हम इस वीडियो के अंदर यह सीखेंगे कि हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक मॉड्यूल को और स्टॉक की सारी एक्टिविटीज़ को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कब इन हुआ, कब आउट हुआ, क्या उसकी कंडीशन चल रही है, कौन सा स्टॉक लो है, कौन सा एक्सपायर हो गया है और कौन सा जो है रीऑर्डरेबल हो गया है, और उसकी रिपोर्ट्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और ये भी इसमें हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने स्टॉक का किस तरह से हिसाब लगा सकते हैं, कितनी मालिक का जो है स्टॉक हमारे पास रह गया है। तो आइए इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर। स्टॉक मॉड्यूल के ऊपर जाने के बाद जो है हम स्टॉक मॉड्यूल जो है ओपन करेंगे। इसमें हमारे पास आपको जो है स्टॉक मॉड्यूल ओपन हो गया, इसमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक एडजस्ट का है। इसमें जो है आपका जो पहले से स्टॉक है उसमें अगर कोई भी चीज़ जो है वो आगे पीछे हो गई है और उसको मैन्युअली जो है एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इधर से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है स्टॉक ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। जब भी आप परचेज़ करेंगे तो स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और जब सेल करेंगे तब भी ऑटोमेटिक ही अपडेट होगा। मगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो स्टॉक एडजस्ट के ऑप्शन से आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक एडजस्ट हिस्ट्री। स्टॉक एडजस्ट हिस्ट्री के अंदर आपको सब ये बता रहा होगा कौन सी आइटम जो है कब इन हुई है, कब आउट हुई है, तो उसके अंदर जो है आप सारी हिस्ट्री देख सकते हैं, डेट वाइज भी और आइटम की डिटेल वाइज। डिफरेंट फिल्टर्स हैं इसमें अवेलेबल। स्टॉक एडजस्ट रिपोर्ट है। स्टॉक एडजस्ट रिपोर्ट के अंदर जो है आप स्टॉक एडजस्टमेंट की सारी हिस्ट्री को प्रिंट आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ फिल्टर्स के साथ और मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल्स के अंदर जो है आप स्टॉक की तमाम डिटेल्स को देख सकते हैं कि कौन सी आइटम जो है हमारे पास कितनी मिकदार में मौजूद है, उसकी रेट्स क्या हैं और उसके जो आइटम्स के पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद हमारे पास स्टॉक स्टेटस है। स्टॉक स्टेटस के अंदर जो है आप चार चीज़ें देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हो रही हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे रीऑर्डरेबल प्रोडक्ट्स हैं आपकी या आइटम्स हैं कि आपकी कौन सी आइटम जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और वो रीऑर्डरेबल हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट अलग-अलग से देखने का। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक एसेट रिपोर्ट। स्टॉक एसेट रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी आइटम या कैटेगरी जो है कितनी मालिक की आपके पास पड़ी हुई है। उसके बाद वेयर हाउस इंट्री या वेयर हाउस इंट्री के साथ जो है आप मुख्तलिफ जो है वेयर हाउस डाल सकते हैं। अगर आपका जो स्टॉक है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है तो आप वेयर हाउस इंट्री से जो है उनको मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका स्टॉक जो है कितनी मिकदार का पड़ा हुआ है और कितनी मालिक का पड़ा है। तो आइए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है स्टॉक एडजस्ट। तो स्टॉक एडजस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है स्टॉक एडजस्टमेंट जो एंट्री है वो ओपन हो जाएगा फॉर्म। इसमें आपको डिफरेंट पैरामीटर नज़र आ रहे हैं जी। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल है। इसमें यहाँ पर आइटम टाइप है, आइटम ब्रांड कैटेगरी है और आइटम कोड है और आइटम नेम है, यूनिट है और उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी है, एडजस्ट क्वांटिटी आपने जितनी भी डालनी है वो इधर आपने लिखनी है। उसके बाद एडजस्ट एक्शन सेलेक्ट करना है और साथ में हमारे पास सेल ऑर्डर आ रहा है और उसके बाद परचेज़ प्राइस पर यूनिट है, सेल प्राइस पर यूनिट है, होलसेल प्राइस पर यूनिट है, बैच डेट है, स्टॉक लोकेशन है और उसके बाद जो है ऑप्शन है हमारे पास अपडेट के, डिलीट के और ट्रांसफ़र के। तो सबसे पहले आइए हम इसको देख लेते हैं कैसे आपने एडजस्ट करना है। मतलब कि हमारे पास ये पहले जो है आइटम ये पड़ी हुई है, समझ लगे हलीम मिलक जो है हमारे पास पड़े हुए हैं 150 क्वांटिटी इसकी और मैं कहता हूँ कि इसमें से जो है हमने ये क्वांटिटी ठीक नहीं है, इसमें से हमने जो है 10 माइनस करने हैं तो असल क्वांटिटी जो है 140 है हमारे पास जो अवेलेबल, तो मैं इसको कहूँगा 10 इसमें से रिमूव कर दो। और इसकी अगर हमने प्राइस अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे, आप इसकी प्राइस कह देंगे ये जो है 160 की परचेज़ है और 180 की या 185 की ये सेल है, इसकी सेल प्राइस है और इसकी जो होलसेल प्राइस है वो 180 है। और इसके बाद क्या करना है आपने
इसी को सिलेक्ट करना है जो और कॉड आप कर रहे हैं अपडेट, उसके बाद अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट हो गया सारा रिकॉर्ड, इसके अंदर जो है हमारे पास ये 10 क्वांटिटी इसकी रिमूव हो गई है। इसी तरह आपने जो भी स्टॉक आइटम जो है डिलीट करनी है तो आपने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करनी है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी आइटम डिलीट कर देगा। और अगर आपने कोई भी आइटम जो है वो ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर तो आपने सेलेक्ट करना है स्टॉक ट्रांसफ़र के ऊपर और फिर बताना है कितनी क्वांटिटी ये अवेलेबल क्वांटिटी आ रही है आपके पास। उसके बाद जो है ट्रांसफ़र क्वांटिटी कितनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इधर डाल देनी है आपने, और जिस लोकेशन पे डाल आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करनी है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद जो है आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं आइटम वाइज जो है चीज़ों को, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जो है हलीम जैसे था हलीम मिलक दिखाओ, तो मुझे बता रहा है कि ये इतनी इसकी है ये वाली। और इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट हिस्ट्री है हमारे पास। स्टॉक एडजस्टमेंट हिस्ट्री के अंदर जो है हम स्टॉक की एडजस्टमेंट हिस्ट्री को देख सकते हैं कि कब स्टॉक इन या स्टॉक आउट हुआ है। तो ये हमारे पास सारी जो है डिटेल आ रही है चीज़ों की कि हमारे पास कौन सा स्टॉक इन और आउट हुआ है। तो ये देखें हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन भी आ रही है, यहाँ पे देखें जैसे डेट चेस्टी जो था वो किया है हमने तो बाई परचेज रिटर्न टू द क्लाइंट आगे आ रहा है, उसकी रीज़न आ रही है कि कब ये आउट हुआ है और कब ये इन हुआ है। रिमूव का मतलब जो है वो आपका जो है स्टॉक आउट हुआ है, और इन का मतलब जो है स्टॉक इन हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्टॉक इन अभी कुछ भी हुआ, स्टॉक आउट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टॉक आउट हुए हुए हैं। इसी तरह आप इसको डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं कि डेट वाइज आज की डेट में कुछ नहीं हुआ था, मैं कहता हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते से दिखाओ अभी तक, वो भी नहीं हुआ। अभी और पीछे चले जाएँ तो ये हमें दिखा देगा कि ये आइटम जो हैं हुई हैं। इसी तरह आप डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करके जो है इसमें डाटा कर सकते हैं, जिनमें आइटम कोड है, आइटम नेम है, आइटम कैटेगरी है, ब्रांड है, और टाइप और जस्ट बाई से भी आप जो इसको फिल्टराइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको PDF फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं इसको हिस्ट्री को। और उसके बाद हमारे पास है स्टॉक एडजस्ट रिपोर्ट है। स्टॉक एडजस्ट रिपोर्ट के अंदर जो है आप अपने स्टॉक की हिस्ट्री को प्रिंट कर सकते हैं और उसको ब्रांड वाइज और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले ये हमारे पास ओपन हो गया है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्टॉक एडजस्ट हिस्ट्री आ रही है, आइटम कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो है आप इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, और ये सारी जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ टेबलेट की देखनी है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो सिर्फ टेबलेट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टेबलेट का जो है उसने सेपरेट कर दी हिस्ट्री, तो आप इसको इजीली जो है अलग से प्रिंट कर सकते हैं, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, डिफरेंट पैरामीटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉक इन स्टॉक आउट सारा कुछ इसमें देख सकते हैं, डेट वाइज भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक डिटेल का। स्टॉक डिटेल के अंदर जो है हमारे पास समरी आ रही होगी कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारे पास कितनी मिकदार में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास सारी आपको बता रहा होगा कि टोटल क्वांटिटी जो है टोटल किसी भी आइटम की वो कितनी पड़ी है हमारे पास, और उसकी लास्ट में स्टॉक वैल्यू बता रहा होगा कि ये हमारे पास इतनी इतनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो है आपको बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास जैसे ये क्वांटिटी पड़ी है 10 और ये 30 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ये स्टॉक वैल्यू बता रहा है, इसकी भी स्टॉक वैल्यू बता रहा है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस है कि सेल प्राइस की बेस के ऊपर ये बताता है। इसके बाद इसके अंदर जो है ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एक्सेल में इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्टॉक रिपोर्ट को, PDF में कर सकते हैं और साथ में इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ज़ीरो आइटम का भी देख सकते हैं कि कौन सी जो आइटम्स हैं वो ज़ीरो ही हुई हैं, ख़त्म हुई हुई हैं। इसी तरीके से जो है आप इसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि
स्टॉक लोकेशन के लिहाज से, आइटम नेम, कोड और दूसरी चीज़ों के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास फलां आइटम का कितना स्टॉक पड़ा है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है स्टॉक स्टेटस। स्टॉक स्टेटस के अंदर जो है हमारे पास चार चीज़ें हैं। चार चीज़ों के अंदर सबसे पहले रीऑर्डरेबल आइटम्स हैं कि ये दोनों आइटम जो हैं आपने रीऑर्डर लेवल से नीचे आ गई हैं, इसलिए इनको दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत है। उसके बाद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमारे पास आ रही होंगी कि सबसे ज़्यादा सेल किसकी हो रही है, किस प्रोडक्ट की हो रही है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं। स्टॉक इन हमारे पास नहीं हुआ, स्टॉक आउट जो है वो हमारे दिखा रहा है कि ये चीज़ें स्टॉक आउट हुई हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक एसेट रिपोर्ट का। स्टॉक एसेट रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि स्टॉक एसेट रिपोर्ट के अंदर हमें लोकेशन वाइज जो है और कैटेगरी वाइज दिखा रहा है कितनी मालिक का जो है हमारे पास सामान पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास पैनाडोल जो है उसकी क्वांटिटी पड़ी है 10 और उसकी सेल प्राइस है 200 रुपीज़, तो इसकी जो है मालियत बनेगी हमारे पास 2000 रुपये। तो ये जो है एक्स वाई जी के ऊपर इसकी जो लोकेशन है वो कितनी आ रही है, 2000 रुपये आ रही है। उसके बाद जो है आप दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो लास्ट के ऊपर सबसे पहले लास्ट के ऊपर जो है हमें टोटल स्टॉक की वैल्यू बता रहा होगा। तो आप इस रिपोर्ट को जो है प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपका नेम आ जाएगा अपने बिज़नेस का, नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपका लोगो भी आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वेयर हाउस एंट्री का। वेयर हाउस एंट्री जो है इसलिए ऑप्शन है कि आप जो है अगर आपके पास, मैंने आगे भी बताया कि आपका स्टॉक अगर एक से ज़्यादा जगह पे पड़ा है तो आप इसके ज़रिए उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वेयर हाउस एंट्री कैसे करनी है कि आपका जो भी वेयर हाउस का नेम है वो इधर आपने डाल देना है। जैसे यहाँ मैं कहता हूँ शबीर गोदाम, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस डाल देना है, अपने पास से मैं डाल रहा हूँ। तो उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर अगर वहाँ पर कोई मौजूद है तो उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नया वेयर हाउस बन गया है, इसके लिहाज से आप जो है आइटम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा आज के ट्यूटोरियल में कि हमने स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई गलती हो जाती है स्टॉक में, मसला रहता है तो उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे करना है, और अपनी स्टॉक की डिटेल्स को और उसको उसकी रिपोर्ट्स को कैसे हमने प्रिंट आउट करना है और मैनेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको मेरे तमाम सॉफ्टवेयर की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।